Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 10th अगस्त 2024. ये रहा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला सेक्शन. और इस लेक्चर के अंदर 1, 2 एंड 3 ये तीन जो एडिटोरियल्स हैं इनका एनालिसिस किया जाएगा. बाकी ये सेक्शन जो आपका ओपिनियंस वाला है इनको आप लोग जो है वेबसाइट के ऊपर ये पढ़े हुए हैं. ये व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा कर ओपिनियन भी आप लोग सुन सकते हैं. इन एरियाज में ये आपकी हेल्प करेगा एंड दैट इज आवर फर्स्ट ओपिनियन रोड टू मॉडरेशन. अब रोड टू मॉडरेशन के अंदर कहना क्या चाहता है राइटर, पहले आप लोग क्रक्स सुन लें. तो क्रक्स के अंदर बेसिकली टेरोरिज्म की बात है, ठीक है. और टेरोरिज्म के ऊपर को लेकर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेरोरिज्म है उसको रिलीजन जो है ना, मजहब जो है उसकी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट को बेसिकली, ठीक है. तो गवर्नमेंट जो है वो मजहब की सपोर्ट लेना चाहती है कि लोगों को, तो इस पर्सपेक्टिव में यानी कि क्या किया गया है कि जो उलमा कराम है उनकी एक कॉन्फ्रेंस करवाई गई है. उस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने, उन्होंने कुछ अपने स्टेटमेंट्स दी हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट्स दी हैं. और रोड टू मॉडरेशन का मतलब यहाँ पर यही है कि वो लोग जो कि जिस तरह से जो टेररिस्ट हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिसयूज कर रहे हैं मजहब का, रिलीजन का, मजहब की जो आप कह लें कि जो रियल पिक्चर है वो छुपा रहे हैं और लोगों के सामने मिसयूज ऑफ रिलीजन करके उनको अपने साथ मिला रहे हैं और पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं. और इनमें जो मशहूर हैं वो टीटीपी वाले और साथ में जो बलूचिस्तान मूवमेंट है वो शामिल है. तो अब जो गवर्नमेंट चाहती है कि उलमा कराम की हेल्प ली जाए और वो क्या करें, आकर एक्सप्लेन करें कि ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं इसमें जो मजहब है वो क्या कहता है, ताकि जो लोग ब्रेन वॉश होकर जिनका करके उनको अपने साथ ये मिलाते हैं उनको रोका जा सके. एंड इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, ये पहले भी कई दफा हो चुका है. वो इसके अंदर बताता है कि कब कब जब जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी है उसने उलमा इकराम को इकट्ठा किया है और उन्होंने मजहब की रूह के अंदर, मजहब की डिमेंशन के अंदर जो है टेररिज्म की डेफिनेशन करवाई है ताकि लोग जो है वो इससे दूर रहे. तो उलमा एंड मशेख कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर अजम इस्तेकाम आपको पता है जो अभी अनाउंस किया गया है जून के अंदर एक ऑपरेशन, उसकी बात की जाती है. और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं कि ये क्या है, कॉल फॉर एफर्ट्स टू तहरीक तालिबान जो बैन है उसको खत्म किया जाए. और उसके फितना कहते हैं खवारजी के, बाहर से वो एक फितना आया है पाकिस्तान के अंदर. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बड़ा नेगेटिव तरीके से किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है सोशल मीडिया को, ये देते हैं स्टेटमेंट. और उसके बाद जो है वो बात करते हैं क्या, ब्रिंग बैक मॉडर्नाइजेशन. तो ब्रिंग बैक मॉडरेशन यानी कि मॉडरेशन को वापस लेकर आएंगे हम, यानी कि हम लोग जो है मजहब को इस्तेमाल करते हुए मजहब की रियल पिक्चर जो है वो लोगों के सामने रखते हुए अपनी सोसाइटी को टेररिज्म से बचाएंगे. एंड इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, ये नहीं पहली दफा नहीं हुआ. यानी कि कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ वो ये बात बताता है. एंड देन वो कहता है कि 9/11 के बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे तो उन्होंने भी जो आइडियोलॉजी अपनी बनाई उसमें था इनलाइटेंड मॉडरेशन. जिस तरह से इन्होंने किया उन्होंने भी किया था, क्योंकि लाल मस्जिद का जब वाकया होता है तो 2008 तब ये चीज जो है वो उनको करनी पड़ती है. और उसके अलावा 2018 में पैगामे पाकिस्तान के नाम से ये काम किया जाता है, ठीक है ना. तो इन सब का मकसद जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि पता है कि हम लोग सारे मुसलमान हैं और हमारा बिलीव है इस्लाम. अगर हमारी आर्मी के जो जवान हैं वो जान देना चाहते हैं तो इसलिए नहीं देना चाहते कि उनको 25-30,000 रुपए की सैलरी मिलती है, सो दैट इज द रीजन. नो, इट्स नॉट द रीजन, ठीक है. अगर वो जान देने के लिए तैयार है तो उसमें एक एलिमेंट मजहब का भी है, रिलीजन, ठीक है. और वो इसको यही कंसीडर करते हैं कि वो अल्लाह की राह में अपनी जान देंगे अगर वो पाकिस्तान को बचाने में उनकी जान चली जाती है, वो शहीद हो जाएंगे, ठीक है. तो ये जो फोर्स है ना ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि, और ये दैट इज द रीजन के देखें यहाँ पर किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो आर्मी में जो है वो सर्व करे. लेकिन रशिया वगैरह में और दूसरी कंट्रीज कई ऐसी हैं वहां पर बाइंडिंग है कि आपने 2 साल के लिए सर्व करना ही करना है,
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी फोर्स है, और इसी मजहब की फोर्स को, रिलीजन की फोर्स को टीटीपी वाले और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिस यूज कर रहे हैं लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, और ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं के लिए कि मजहब की जो डिमेंशन है वो डिफरेंट है, इस तरह के काम किए जाते हैं, इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस की जाती हैं। बहरहाल ये बात करने के बाद फिर वो यहां पर एक चीज बताता है कि आखिर कमजोरी कहां पर है, जो ये एलिमेंट्स जो हैं तहरीके तालिबान या टेररिस्ट एलिमेंट्स हमारी सोसाइटी से खत्म क्यों नहीं हो रहे। तो उसमें वो कहता है कि जो काउंटर टेररिज्म की हमारी अप्रोच है वो बड़ी कमजोर है, हम फॉलो अप नहीं करते। हम क्या करते हैं, बनाते तो हैं मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज, जैसे काउंटर टेररिज्म की कंपेन्स हमने की, लेकिन उसके बाद हम इंटरेस्ट जो है वो छोड़ देते हैं। जैसे नेशनल एक्शन प्लान की बात वो करता है कि इसके अंदर पूरा एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसकी जो इन्फोर्समेंट है जो होनी चाहिए थी वो प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं हुई, हमने इसके कई एलिमेंट्स जो है वो मिस कर दिए, जिसकी वजह से ये जो टेररिज्म है ये जड़ से खत्म नहीं होता। वैसे तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट वन ऑफ देम इज ये भी है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो काउंटर टेररिज्म की जितनी भी स्ट्रेटजीज बनाती है उनको फॉलो अप नहीं करती प्रॉपरली, लूज कर देती है अपना इंटरेस्ट, तो फिर इस वजह से ये खत्म नहीं हो पाता। तो आप लोग इसको टेररिज्म की कैटेगरी के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, क्यों टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट, एक रिलीजन का पॉइंट और एक ये लूजिंग इंटरेस्ट का पॉइंट, ये हम आप लोग पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है अ स्टार इज बोर्न, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके जो पाकिस्तानी लड़का है अहमद नदीम, जिन्होंने आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा होगा, तो अहमद नदीम साहब ने क्या किया है, वहां पर गोल्ड मेडल उनको मिला है, यानी कि गोल्ड का उन्होंने जीता है ओलंपिक्स के अंदर, तो उसके बारे में ये बात करते हैं, उनको स्टार कहते हैं। तो ओलंपिक्स में जो है मेडल पाकिस्तान को मिला है 32 ईयर्स के बाद, और एक ही मेडल पाकिस्तान को सिर्फ मिला है, और वो ये लड़का लेकर आया, इसके अलावा पाकिस्तान को नहीं कुछ भी अभी तक मिला, ठीक है। तो अरशद नदीम साहब है बेटा, ये लड़के का नाम है, 92.97 मिलियन की इन्होंने थ्रो फेंकी है, आपको पता है, ठीक है। 27 ईयर्स इसकी उम्र है, मियाँ चन्नू से इसका ताल्लुक है, तो ये बात तो होगी। अब राइटर यहां पर क्या कहता है, राइटर यहां पर ये कहता है कि क्वेश्चंस कुछ करता है कि अब ये जो लड़का है जो जो कामयाब होकर आया है, ये आपका खजाना है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसका एक चीज। दूसरा कहता है ठीक है आप कैश प्राइसेस तो आप दे रहे हैं, अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब जो है वो मिलकर उनको 150 मिलियन, यानी कि तकरीबन जो है वो आई थिंक 15 करोड़ के करीब बनती है अमाउंट, वो उनको देंगे कैश में, इनाम में। पंजाब गवर्नमेंट ने आई थिंक 100 मिलियन का ऐलान किया है, यानी कि तकरीबन एक आई थिंक 10 करोड़ ये बन जाएगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है और भी मुख्तलिफ किस्म की, जैसे UBL ने 5 मिलियन का कहा है कि हम प्राइस देंगे इसको, गवर्नर किसी ने 2 मिलियन, किसी ने 1 मिलियन, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के कैश प्राइजेज जो है वो अनाउंस किए गए हैं इसके लिए, ठीक है आपने कर दिए, बहुत अच्छी बात है, करने भी चाहिए थे, उसने बहुत मेहनत की है इस जगह मुकाम पर जाने के लिए, ठीक हो गया, कहता कैश प्राइजेस आपने कर दिए अनाउंस। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि क्यों ये जो पैसा था, ये जो प्राइजेस थे, क्यों अरशद नदीम को उस वक्त ये सपोर्ट क्यों नहीं की गई जब वो स्ट्रगलिंग फेज में था, जब उसको फंड्स की जरूरत थी, जब उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, तब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया, ये है बात। क्योंकि जब आपने आपने क्या कहता है फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन उसका यही है कि क्या आप जब तक कोई अचीव नहीं कोई चीज कर लेते तब तक क्या आपको पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं मिल सकती, ठीक है। क्या गवर्नमेंट इस चीज का इंतजार कर रही थी, गवर्नमेंट इज वेटिंग के वो कुछ करके दिखाए तो उसके बाद उसको सपोर्ट किया जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन मार्क वाकई ही बनता है, और ये इट इज नॉट फॉर नदीम बल्कि और भी काफी जो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए ये चीजें हैं। और यहाँ पर अरशद नदीम ने भी बाद में बताया था कि क्लास की जो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग की फैसिलिटीज पाकिस्तान के अंदर नहीं दी जा रही। क्रिटिसिज्म करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वाकई ही क्वेश्चंस हैं। इट्स नॉट फॉर ओनली नदीम, और भी कई जितने भी स्पोर्ट्समैनशिप के लड़के हैं, ट्रेनिंग की फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। और इसके लिए यही था कि बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन यहाँ पर एक रीजन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, एंड दैट रीजन इज कि आपका जो हेड है, अभी जो इसका जो स्पोर्ट्स का जो बॉडी का हेड था वो कौन था, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर था, एंड इट्स फोर्थ टर्म थी उसकी, फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म में अभी 2-4 महीने पहले उसने रिजाइन दिया है। तो जब हर
एक के बॉडी के हेड के ऊपर आप इस तरह का बंदा बैठाएंगे जो आर्मी का रिटायर ऑफिसर है, तो फिर प्रोडक्शन जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रहेगी। अब ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो भी स्पोर्ट्स खेला जा रहा है उस स्पोर्ट्स की फील्ड का बंदा जो है वो उसके अंदर उसको सूर्या उसको इंचार्ज लगाया जाए, जिस तरह के इंडिया में और बाकी दुनिया में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो आपकी स्पोर्ट्स बेहतर हो सकती है और अल्टीमेटली ये क्वेश्चंस तो हैं, बाकी स्पोर्ट्स अगर बेहतर होगी तो आपकी सोसाइटी में क्राइम कम हो जाएगा, ये भी बात है कि बच्चों की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव साइड पे लगना शुरू हो जाएगी, आपकी सोसाइटी हेल्थी होगी और जिस तरह से इसने नाम रोशन किया है बाकी बच्चे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, आप आइसोलेशन में नहीं रहेंगे, दुनिया की नजर में आपका नाम, दुनिया में आपका नाम होगा तो ही फिर आगे आप चलते हैं और जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे के परस्पेक्टिव में आप या पेपर के परस्पेक्टिव में इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि हेल्थी सोसाइटी के लिए स्पोर्ट्स का होना बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स होगी तो क्राइम कम होगा, एनर्जीज पॉजिटिव साइड पे के ऊपर लगेंगी और बाकी काफी चीजें हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। अब जैसे वहां पे ओलंपिक्स हुई है तो अच्छा खासा उन्होंने बिजनेस भी कर लिया होगा। चाइल्ड अब्यूज अलर्ट तीसरा आपका एडिटोरियल है चाइल्ड अब्यूज अलर्ट, इसके अंदर क्या कहता है, इसके अंदर वो यही कहता है कि जो बच्चे हैं उनकी अब्यूज के बारे में बात करता है पाकिस्तान के अंदर, कहता है कि जो ये साहिल ऑर्गेनाइजेशन है इसने 4200 केसेज उन्होंने रिपोर्ट किए थे चिल्ड्रन के 2023 के अंदर, ठीक है ना, विद 11 बीइंग वायलेटेड, 11 डेली वायलेशन होती है बच्चों के यानी कि केसेस की। इसी तरीके से जो 6 मंथ का जो नंबर है वो क्या बता रहा है कि 2024 में पिछले 6 महीने में इतने केसेस दर्ज हो चुके हैं जिनमें इतने केसेस जो हैं वो सेक्शुअल अब्यूज के हैं, इतने अबडक्शन के हैं, इतने मिसिंग माइनर्स के हैं, इतने चाइल्ड मैरिजेस के हैं और ये वाले जो हैं पोर्नोग्राफी आफ्टर सेक्स एक्सप्लोटेशन सेक्शुअल एक्सप्लोटेशन के हैं। अब ये पोर्नोग्राफी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि क्या होती है पोर्नोग्राफी, क्या होती है उसके बाद पिक्चर्स बनाई जाती हैं बच्चों की सेक्शुअल एक्सप्लोटेशन की, तो ये इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। 59% इनमें बच्चियां हैं और 41% जो है इसके अंदर बच्चे हैं, ठीक है, और इसमें वो कहता है पंजाब के 78% है इनमें टोटल और 11% जो है वो सिंध के 3% के पेगी से बच्चों का ताल्लुक है और ये पाकिस्तान में बच्चों के साथ किया जा रहा है। अब इन बच्चों की आपने खबरें सुननी, अब इसका पेपर पर्सपेक्टिव में क्या है और पाकिस्तान के फ्यूचर में क्या है, पाकिस्तान का हमारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा अगर हमारे बच्चे ऐसे होंगे, बिकॉज ये जो छोटी एज के अंदर इंसिडेंट्स होते हैं ना ये बच्चों को जहनी मेंटल हेल्थ उनकी डिस्टर्ब कर देते हैं, जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे, कोई प्रोडक्टिव सिटीजन वो नहीं बनेंगे। ठीक हो गया जी, इसलिए एनजीओज को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, सिक्योरिटी पर्सनल को, सबको चाहिए कि वो मिलकर काम करें और इस चीज को खत्म करें, बल्कि हर सेक्शन जो सोसाइटी का है उसको चाहिए कि वो रिएक्शन दे इसके ऊपर और बच्चों के जो राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनको रोका जाए ताकि आपके बच्चे सेव रहें, पाकिस्तान के बच्चे सेव रहें और बाद में वो बड़े होकर जो है पाकिस्तान के प्रोडक्टिव सिटीजन बन सकें और प्रोडक्टिव सिटीजन जब वो बनेंगे तो ही पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है वो प्रोग्रेस कर पाएगा और आप भी दुनिया के अंदर एक अच्छी स्टेट बन सकेंगे। ठीक है जी, अदरवाइज जो है अगर इस तरह के होता रहा तो उसके फिर क्या है नुकसान होगा पाकिस्तान का। तो ये बेटा आपके 3 एडिटोरियल से, बाकी जो है कोई भी इशू हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।